शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वो नहीं उठेगा गहना, भगवान ने उसे उठा लिया। चुप हो जाओ तुम। तुमने मेरे गौरव को दुर्गमा, देखो ना गौरव को क्या हो गया। इसने मेरे गौरव को मार दिया। दुर्गमा कुछ कीजिए। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी ना, तो तुम्हें जो करना था वो मेरे साथ करती। गौरव के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मारा मेरे गौरव को? गौरव को मैंने नहीं, तुमने मारा है। अब देखो, मैंने तुम्हें इतनी बार बोला था, लेकिन तुम बार बार उसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रही थी, तो क्या होगा? कोई नौबत आएगी ना, तो देखो अब गौरव मर गया तुम्हारा। तुमने मेरे गौरव को मारा है। अरे मैं कौन होती हूँ उसे मारने वाली? ये जीना मरना ये सब कुछ उस ऊपर वाले के हाथ में, और मैं तो बस एक जरिया। लेकिन जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम। मुझे ना तुम्हें एक छोटी सी अपनी बचपन की कहानी बतानी। सुनोगी ना? अब हुआ ये था कि बचपन में ना मेरी एक बहुत अच्छी सहेली थी, और उसके पास एक बहुत सुंदर गुड़िया थी। एक बार ना मैंने उससे वो गुड़िया मांगी, लेकिन उसने मुझे वो गुड़िया दी नहीं। तो जानती हो मैंने क्या किया? उस गुड़िया को तोड़ दी। क्योंकि जो मुझे पसंद आता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा होता है और किसी का नहीं। तो फिर तुम्हें मैं अपना गौरव कैसे दे देती बताओ? सोचो ना, सोचो अपना गौरव तुम्हारे साथ में कैसे मानती। जब मैंने देखा ना कि तुम जीतने वाली हो, गौरव को पाने वाली हो, तो मैंने गौरव को मार दी। जो खिलौना मेरा नहीं तो फिर किसी का भी नहीं हो सकता कहना। और पता है क्या, तुम गौरव के सुहागन तो नहीं बन पाए, लेकिन अब उसकी विधवा बन के रहोगी। चुप! बात हो गया उर्वशी। तुम्हारी हर गलती को मैं नजरअंदाज करती आई। हर बार तुम्हें माफ किया, लेकिन इस बार नहीं। क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल को 100 बार माफ किया था जब उसने 100 बार गालियाँ दी थी, लेकिन 101 भी बार जब उसने गाली दी तो श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल का गला काट दिया था। अब तुम्हारे साथ भी वही होगा। याद जो किया है ना, उसकी सजा मैं खुद तुम्हें दूंगी। मैं ये नहीं चाहती कि मैं गौरव की सुहागन बनूंगी या विधवा, लेकिन तुम्हारे खून की हत्यारा जरूर बनूंगी। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी उर्वशी। ऐसा कैसे कर सकती थी तुम? तुमने मेरे गौरव को नहीं गहना, रुक जाओ। नहीं दुर्गमा, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अब मैं नहीं रुकूंगी कि भगवान ऊपर जाकर इसे इसके किए की सजा दे। उसका बदला मैं लूंगी। खून का बदला खून होता है। इसके मेरे गौरव के साथ कानून अपने हाथ में मत लेना। रुक जाओ गहना। नहीं दुर्गमा, ये मारने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी उर्वशी को मारने की कोशिश कर रही थी ये गौरव। देखा हमने। मैंने इसे इतना ज्यादा समझाया कि
कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और दूर रहे तुमसे, दूर रहे मेरे पति से, लेकिन इसे ये बात समझ ही नहीं आती। तो पता है उसने क्या कहा कि अगर तुम गौरव से प्यार करती हो तो मैं तुम्हें मार देती हूँ, तो गौरव सिर्फ और सिर्फ मेरा हो जाएगा। और ये मुझे मार रही थी, गौरव तुम, गौरव प्लीज मुझे बचा लो, गौरव मुझे इससे बहुत डर लगता है, इससे मैं बोल रही हूँ प्लीज बचा लो, पता नहीं ये क्या कर देगी। खुश नहीं होगा तुम्हें, मर गई। मर गए? नहीं 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 गौरव, नहीं, ये क्या किया तुमने गौरव? मैं इसे मारना चाहती थी, मुझे इसे मारने का मजा चाहिए था गौरव, और तुमने? कोई बात नहीं, अब यहां क्यों खड़े हो गौरव? इसे और इसके आशिक को ना एक ताबूत में डाल दो। बंद दरवाजे का राज जानने में गहना को पता चल गया था कि दीवार के पीछे आत्मा है, पर अब वो बंद दरवाजे का राज ही रह जाएगा। पता है गहना पहले भी खोई थी और अब भी खो जाएगी, पर इस बार गहना को कोई ढूंढ नहीं पाएगा और ना ही इसे कोई बचा पाएगा। अब यहां क्यों खड़े हो गौरव? मैंने कहा ना, इन सबको एक ताबूत में डालो और जल्दी काम खत्म करो। हाँ। रुक जाओ, मुझे मेरी बहन के आखिरी दर्शन तो करने दो गौरव। तुमने मुझसे गहना को मारने का मौका तो छीन दिया, कम से कम उसे दफनाने की खुशी तो मत छीनो मुझसे। कोई एक ऐसा पल दे दो जो मुझे जिंदगी भर याद रहे, मेरे दिल को खुशी दे, मेरे दिल को सुकून दे, और इस ताबूत में आखिरी कील किसी अपने को ही लगाना चाहिए, और मैं तो उसकी बहन हूं गौरव, मेरा तो हक बनता है ना? जानती हो गया ना, दीवानगी और पागलपन में बहुत बड़ा फर्क होता है। तुम तो गौरव से प्यार करती थी ना, पर मैं गौरव के लिए पागल थी, पागल। तभी तो तुम्हें समझ नहीं आता था मैं क्या कहती थी, कितनी बार कहा था तुमसे कि दूर रहो मेरे गौरव से, बोला दूर चली जाओ, चले जाओ यहाँ से, और तुम गई थी फिर पता नहीं क्यों वापस चली आई मरने के लिए। बुराई पे अच्छाई की जीत दर्ज करने के चक्कर में तुमने अपना ही नाम इतिहास में दर्ज कर लिया है, और जानते हो तुम गौरव, इस बेचारी का तो अंतिम संस्कार भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ हम लोगों के लिए मरी है, दुनिया के लिए तो ये लापता है ना, और लापता ही रहेगी। वेरी गुड, तो अब तुम रहो लापता और मेरा गौरव और मैं हमेशा साथ साथ खुश रहेंगे। और इसे जिंदा ही गाड़ देना, तड़प तड़प के ऐसे ही मर जाएगी। जल्दी करो गौरव, मैं बस अभी आती। उठो।
हम भगवान का लाख लाख शुक्र है ना कि तुम ठीक हो। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।